Greetings from Heartcare Foundation of India. Major impact blast in High Court in Delhi with more than 100 injured, more than 12 deaths. ये जो blast हुआ है तो हम लोग ही जानना चाहते हैं कि blast होने के बाद में किस प्रकार की injuries होती हैं। पहली injury होती है जो blast के कारण से ear drum rupture हो जाए या फेफड़े rupture हो जाए या intestine rupture हो जाए। दूसरी injuries होती हैं कि blast के कारण से जो objects उड़ते हैं वो जाके किसी आदमी के अंदर में घुस जाएं, जैसे कीले हैं, शीशे हैं। तीसरी होती हैं कि blast के कारण से आदमी उड़ गया, उड़ के गिरा और हड्डियां टूट गई। और चौथी होती हैं burn injuries। जब भी ट्रायज होता है तो सारे लोग जो पहले अस्पताल पहुंचते हैं ये वो होते हैं जो ज्यादा इंजर्ड नहीं होते। ज्यादा इंजर्ड लोग लेटर ऑन पहुंचते हैं, उनको उठा के लाया जाता है। तो अपने सारे रिसोर्सेस नॉन सीरियस पेशेंट्स के ऊपर में खत्म ना करें। और ज्यादातर मेडिकल अटेंशन जो है 2 घंटे तक पहुंचती है, 1 घंटे तक 50% लोगों को मेडिकल अटेंशन मिलती है। जब भी किसी को ब्लास्ट इंजरी हो तो आपने क्या देखना है, बड़ा सिंपल है, उसकी ईयर ड्रम देखो। अगर ईयर ड्रम इंटैक्ट है तो वो सीरियस नहीं है। अगर ईयर ड्रम में परफोरेशन है, रप्चर है तो वो सीरियस है। इमीडिएटली आप उसके फेफड़े चेक करो, एक्सरे चेस्ट करो, उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करो बॉडी के अंदर में, SpO2 लेवल्स, एंड 2 दिन के बाद में चेक करो कि उसके इंटरस्टाइन में कहीं परफोरेशन तो नहीं है। अगर ये ड्रम नॉर्मल है तो पेशेंट सीरियस नहीं है। थैंक यू।